हाय गाइस, दिस इज़ आशीष कुमार पांडे। और आज स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एक थ्योरम लेकर मैं आया हूं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नाउ दिस थ्योरम इज़ नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, अगर इस पर हम ध्यान देंगे तो ये क्या कहती है। इट स्टेट्स दैट इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसको हम इस तरह समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आपका ये ट्रायंगल है, तो जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको कहती है या जो स्टेट्स करती है, उसमें ये कहती है कि अगर एक ट्रायंगल है आपका और ट्रायंगल की टू साइड्स पे अगर दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट हम लेते हैं और उनको अगर हम आपस में मिलाते हैं, देन जो आपकी साइड बन रही है डी ई, वो आप यदि अगर वो डी ई साइड बी सी के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी साइड है डी ई, या जो आपके पॉइंट हैं डी और ई, वो ए बी और ए सी साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। इट मींस ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वो ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के इक्वलेंट होगा। आगे चलते हैं, जैसे कि गिवन है हमको ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमको गिवन है, और इसमें जैसा कि हमने भी आपको बताया कि जो साइड, जो आपकी डी ई साइड है वो आपके पैरेलल है बी सी के। ठीक, अब आगे हम चलते हैं, जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ में हम चलते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी बी का जो रेशियो है इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। फिगर में समझेंगे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। कुछ कंस्ट्रक्शन हमको करना है, जैसे मैंने पहले ही करके रखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। हाँ, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, यानी कि जो आपकी लाइन है बी ई और सी डी को हमें ज्वाइन कर देना है। फिर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी पी, डी पी आपको दिख रहा है जो कि ए सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, डी पी परपेंडिकुलर टू ए सी। एंड सिमिलरली हमें ड्रॉ करना है एक और परपेंडिकुलर है आपका ई क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, फिर हम प्रूफ पे चलेंगे। तो प्रूफ पे अगर हम चलते हैं आगे, तो आप देखिए कि अगर हम ट्रायंगल चलते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई, आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए डी ई। ठीक, अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ बेस आपका हो जाएगा डी, आपका क्या हो जाएगा बेस, देखिए ए डी ई, अगर हम बेस की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर इस पे है आपका ए बी पे है, तो अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं ए डी, तो आपका बेस हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा ए डी, तो हाफ ए डी इंटू ई क्यू। अब अगर हम फॉर्मूले से देखें तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, वो हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, अगर हम इसको इक्वेशन वन पुट कर लेते हैं, नेक्स्ट टर्म में हम आगे बढ़ते हैं, तो सिमिलरली हम चलते हैं इन ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी देखिए, इन ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू ट्रायंगल, अगर इसका एरिया फाइंड करते हैं, सॉरी एरिया नेक्स्ट लाइन में फाइंड कर लेते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू हाफ, जैसे फॉर्मूला ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू हाफ डी बी इंटू ई क्यू। इक्वेशन सेकेंड पुट कर लेंगे, फिर सिंपली क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन फर्स्ट
डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, को डिवाइड कर लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ई क्यू, डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी हाफ डी बी इंटू ई क्यू। ठीक, यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी। इक्वेशन थर्ड पुट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, सिमिलरली अगर हम पुट करते हैं नेक्स्ट में, देखिए आप अगर हम एरिया फाइंड करते हैं, अब देखिए हमें जो एरिया फाइंड करना है बिल्कुल सेम जैसे मैंने इसका किया है वैसे हम फिर क्या करेंगे। नाउ वंस अगेन फिगर में देखिए ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई डी सी। ठीक, देखिए सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में, तो जो इसका रिजल्ट आने है वो हाफ ए ई, हाफ ए ई इंटू डी पी, हाफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी में अगर हम चलते हैं तो हाफ ई सी इंटू डी पी। यहाँ से देख लीजिए फिगर से एक बार, अगर हम चल रहे थे आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, किस में चल रहे थे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी में चल रहे थे हम लोग, तब आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने यहाँ से निकाला हाफ ए ई इंटू डी पी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी इज इक्वल टू हाफ ई सी इंटू डी पी। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो फाइनली हमें क्या निकल के आएगा, फाइनली जो हमारा निकल के आएगा यहाँ से, ये निकल के आएगा ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन हम इससे फोर्थ बना लेते हैं। हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, हमारी इक्वेशन बन गई है। अब अगर हम बात करते हैं, थ्योरम है जो मैं आपको रिकॉल करा दूँ। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट टू ट्रायंगल हैव सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स then their area is equal। कहने का मतलब ये कि अगर हमारी दो कोई भी ट्रायंगल हैं और वो अगर सेम बेस यानी कि उनका बेस सेम है और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं तो उनके एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे। therefore या that is अगर हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। अब देखिए हमें करना क्या है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फोर्थ, देयरफॉर यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन
db upon area of triangle AED upon area of triangle EDC is equal to, ये अपॉन कर दें यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा AE upon EC. फाइनली जो हमने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड की है, मान लीजिए इक्वेशन फिफ्थ कर लेते हैं हम इसे. यहाँ पे हमने देखा कि जो आपके एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB का जो एरिया है वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC के इक्वल है. तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा DEB और EDC ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. और आपका देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और जो इसकी वैल्यू है वो वन आ जाएगी. और फाइनली अगर हम देखते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देयरफोर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये हमारा टर्म प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ. सो गाइस, ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई है. एक बार मैं फिर रिकॉल करा देता हूँ जो आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है. इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.